लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई शिवसेना के युवा नेता अवधूत मोरे ने वाशी में दिवाली मेले का आयोजन किया है। वार्ड 64 में शिव संकल्प भवन परिसर में आयोजित इस मेले में स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित दिवाली फराल, खाद्य पदार्थ, रंगोली, दिए और त्यौहार सामान आदि कीमत में उपलब्ध कराए गए हैं। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और स्थानीय पदाधिकारियों ने आज इसका उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के वासी प्रभाग 64 में शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे ने दीपावली के लिए विशेष बाजार का आयोजन किया है, जहां स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित दिवाली फराल, खाद्य पदार्थ, रंगोली, फैंसी और मिट्टी के दिए एवं त्योहारी सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां आधी कीमत में सामान मिल रहे हैं। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और स्थानीय पदाधिकारियों ने आज इसका उद्घाटन करते हुए आयोजक अवधूत मोरे के महिला सशक्तिकरण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बाजार से जहां स्थानीय लोगों को अधिक कीमत में सामान उपलब्ध होंगे, वहीं स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। अपने एरिया में जो महिलाएं हैं, जो अपना घर संभालने के बाद भी कुछ काम करते हैं अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, वो महिलाओं को हमने काम दिया। ये जो यहाँ पर जो मिठाइयाँ बनी हैं, वो उनको बनाने का काम दिया। उनका जो भी खर्चा या उनका जो मार्केट रेट का जो वो मिठाइयाँ का जो कीमत है, वो उनको पूरा चुकता किया हमने। उसके बाद में यहाँ पर लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के रेट से हम लोग 50% कम रेट में यहाँ पर हम आज ये दिवाली की सब चीज़ें, मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब स्वीट तो बहुत अच्छा क्वालिटी का बना है और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये स्वीट्स आपको आज 28 तारीख, कल 29 और 30, तीन दिन मिलेगा। और ये भी उसमें साथ विनंती है, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए 5 पदार्थ है, हर एक को 5 ही पदार्थ मिलेंगे एक एक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम दिवाली का ये तोहफा दे सकें। इसके लिए मेरी सबको विनंती है कि आप इसमें सहभागी हो जाए और ये दिवाली का आनंद और सबको बांटे। कोविड की वजह से हर एक घर का एक आर्थिक जो माहौल है वो थोड़ा ढल चुका है, और अभी अभी लॉकडाउन भी खुल गया है, लोग अपने काम में व्यस्त है। अभी अभी काम की शुरुआत उनकी हुई है, नौकरी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा वक्त भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। और इसी ये कोई कच्चा माल, यानी कोई घी दे रहा है, कोई गेहूँ दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, उससे अच्छा एक तैयार बना हुआ ये जो मिठाई है वो अगर लोगों को दी जाए तो उनके श्रम बचेंगे। और इस संकल्पना से यहाँ 50% छूट से ये जो मिठाई यहाँ दी जा रही है, मुझे लगता है यहाँ के लोग इसको अच्छा प्रोत्साहन देंगे, उसका लाभ उठाएँगे। मैं इसकी अवधूत मोरे और उनकी शाखा के सब शिव सैनिकों को धन्यवाद देता हूँ। स्थानीय लोग भी इस विशेष दिवाली बाजार की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा नेता अवधूत मोरे की पहल से स्थानीय महिलाओं को खुद के दम पर कुछ कमाने का अवसर मिल रहा है। इथे जे कार्यक्रम ऑर्गनाइज करण्यात आलेला आहे, ते नेहमीच काहीतरी नवीन नवीन कार्यक्रम लोकांसाठी, जनहितासाठी करतात। आणि या महागाईच्या काळामध्ये जे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सगळेजण, प्रत्येक कुटुंब या कोरोनाच्या काळामध्ये खूप कठीण परिस्थितीमधनं त्यांनी पुढाकार घेतला आहे। आणि या कंडिशनमध्ये
जी अशी जी महिला आघाडींना पुढे घेऊन त्यांच्या माध्यमातून जी ही फराळ वाटण्याचा जे कार्यक्रम ऑर्गनाइज केला आहे अवधूत मोरे, त्यांच्यासाठी मी त्यांना फार धन्यवाद देतो आणि असेच काही चांगले कार्यक्रम त्यांनी पुढे करावे आणि जनहितासाठी पुढाकार घ्यावा ही आमची इच्छा आहे. बेसिकली ही नारी शक्ती ह्याला एक स्ट्रेंथनिंग देण्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम राबवलेला आहे आणि मी त्यांना त्यांचा आभारी आहे ज्यांनी हे आम्हाला सपोर्ट केलं या महिलांनी आणि त्यांनी हा कार्यक्रम एकदम यशस्वीपणे आता चालू आहे आणि लोकांचा खूप प्रतिसाद पण खूप चांगला आहे आणि ह्याच्यात मी त्या काकी आहेत आमच्या वंदना ठाकूर मॅडम ज्यांनी ह्या जे हे महिला लोकांना खूप मदत करतात आणि त्यांनी आमच्याशी त्यांना कनेक्ट करून दिलं आणि त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम आता लोकांपर्यंत चांगल्या ह्याच्याने पोहोचतो. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.